नमस्कार, एस्ट्रल पाइप्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस्ट्रल के एक नए प्रोडक्ट एस्ट्रल साइलेंसियो के बारे में बात करेंगे, और उससे पहले आइए जानते हैं भारत की सबसे भरोसेमंद पाइप कंपनी एस्ट्रल के बारे में। भारत में पहली बार CPVC पाइप पेश करने वाले एस्ट्रल को प्लंबिंग के क्षेत्र में 17 साल का तजुर्बा है। एस्ट्रल के पास स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। सांतेज और धौलका गुजरात में और होसूर तमिलनाडु में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ हर साल एस्ट्रल 70,000 से अधिक प्लंबर्स को आधुनिक ट्रेनिंग भी देता है, ताकि देश में प्लंबिंग का स्तर ऊंचा किया जा सके। और इसी पहल को आगे बढ़ा रहा है एस्ट्रल का एक नया प्रोडक्ट एस्ट्रल साइलेंसियो, एक कंप्लीट लो नॉइज पाइपिंग सिस्टम। ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बना लो नॉइज पाइपिंग सिस्टम है। एस्ट्रल साइलेंसियो का रॉ मटेरियल मिनरल रीइंफोर्स्ड पॉलीप्रोपिलीन है। ये रीइंफोर्स्ड पॉलीप्रोपिलीन फ्लश के वक्त पानी पास होने वाली आवाज को पूरी तरह से दबा देता है। साथ ही इसमें है हाई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो एयरबोर्न साउंड और स्ट्रक्चर बोर्न साउंड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से पानी के बहाव की आवाज बाहर नहीं जाती। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, एस्ट्रल साइलेंसियो पाइप 3 सतह यानी लेयर से बना होता है। पहली लेयर एक्सटर्नल लेयर है, जो पॉलीप्रोपिलीन से बनती है। मिडल लेयर पॉलीप्रोपिलीन मिनरल फिल्ड कंपाउंड से बनती है, और इंटरनल लेयर भी पॉलीप्रोपिलीन से बनती है, जो पानी के बहाव के लिए कारगर साबित होती है। और आइए अब देखते हैं कि एस्ट्रल साइलेंसियो किन किन साइजेस में उपलब्ध है। ये 50 mm, 75, 110, 160 और 200 mm साइजेस में फिटिंग्स के साथ उपलब्ध है। अब ऐसी कुछ अहम बातों पर ध्यान देते हैं जो बनाते हैं एस्ट्रल साइलेंसियो को एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। इसमें है बेहतरीन नॉइज इंसुलेशन वैल्यूज, इसका इंस्टॉलेशन बिल्कुल आसान है, इसमें हाई इंपैक्ट और केमिकल रेजिस्टेंस दोनों ही हैं। ये मेटल जितना स्ट्रॉन्ग भी है, साइलेंसियो के लिए अतिरिक्त क्लैंप्स और हैंगर्स की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। मजबूती में भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये हॉट वाटर रेजिस्टेंट है, साथ ही इनका इनर सरफेस भी काफी स्मूथ है। और आइए अब एस्ट्रल साइलेंसियो के रॉ मटेरियल की क्वालिटी पर भी एक नजर डालते हैं। एस्ट्रल साइलेंसियो की क्वालिटी बनी रहे, इसलिए ये कई सारे टेस्ट से गुजरता है। खास तौर पर मजबूती के लिए ये टेंसाइल इंपैक्ट और फ्लैटनिंग टेस्ट से गुजरता है। एस्ट्रल साइलेंसियो के टेस्ट जर्मनी के फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक फिजिक्स से पारित हैं। वाकई में ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अंतरराष्ट्रीय मापदंडों पर भी खरा उतरता है। एस्ट्रल साइलेंसियो के कुछ यूनिक फीचर्स इस प्रकार हैं, जैसे कि डोर फिटिंग्स। इस सिस्टम में थ्रेडेड डोर कैप के साथ एक अतिरिक्त अंदरूनी डोर कैप दिया जाता है, जो फ्लो को बिना अवरोध के बनाए रखता है। पुश फिट सॉकेट विद स्पेशल येलो रिंग। पुश फिट सॉकेट के अंदर जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी येलो रिंग फिट की जाती है। ये रिंग हाइड्रोलिक टाइटनेस और थर्मल एक्सपेंशन के दौरान पाइप का फ्री मूवमेंट निश्चित करती है। स्वेप्ट एंगल, बिना अवरोध एक स्मूथ फ्लो के लिए स्वेप्ट एंगल वाला डिजाइन भी है। डेप्थ गेज, स्पिगट एरिया पे एक स्टॉपर मार्क है, ताकि पाइप की फिटिंग सॉकेट में सही फिटमेंट हो सके, और थर्मल एक्सपेंशन के दौरान पाइप का फ्री मूवमेंट आराम से हो सके। फायर रेजिस्टेंस, एस्ट्रल साइलेंसियो की अग्नि रोधक क्षमता क्लास B1 के अनुसार है, जो उसे ट्रेडिशनल पाइपिंग से कहीं अधिक अग्नि रोधक क्षमता देता है। एस्ट्रल साइलेंसियो को इंस्टॉल करने के लिए हमें किसी भी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एस्ट्रल साइलेंसियो में है इनोवेटिव पुश फिट जॉइनिंग मेथड। यह पाइप के इंस्टॉलेशन को आसान बना देता है और आपका समय और पैसे दोनों ही बचाता है। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एस्ट्रल साइलेंसियो के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। पहले आप पाइप को काटें, बर को चाकू, फाइल या डिबरिंग टूल के साथ निकालें, सरफेस को साफ करें और ग्रीस या मॉइस्चर को निकालें। पिगट पर सॉकेट के अंदर की दूरी से पेंसिल या मार्कर से निशान बनाएं। जॉइंट्स, पाइप और रबर रिंग पर ल्यूब्रिकेंट लगाएं। पाइप को प्रेशर देकर सॉकेट के अंदर डालें। जब स्पिगट और सॉकेट की दूरी 10 मिलीमीटर हो, तब आप रुक जाएं। ऐसा करने से हम इसे थर्मल एक्सपेंशन के लिए जगह देते हैं। इसके सॉकेट जॉइंट को सॉल्वेंट सीमेंट, स्पेशल क्लैंप्स या हैंगर्स की जरूरत नहीं पड़ती।
एस्ट्रल के नॉर्मल क्लैंप्स आप एस्ट्रल साइलेंसियो के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस पाइप के जोड़ कॉम्पेंसेटर सॉकेट के साथ बनाना चाहते हैं, तब आपको कुछ जरूरी जानकारियां होनी चाहिए, जो इस प्रकार है। एक्सपेंशन कॉलर को कॉम्पेंसेटर सॉकेट से खींचिए, फिर उसे पाइप के एक छोर की तरफ धकेलिए। ल्यूब्रिकेंट को कॉम्पेंसेटर सॉकेट के अंदर लगाइए। ऑयल या ग्रीस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ल्यूब्रिकेंट को अच्छी तरह से कॉम्पेंसेटर कॉलर के बाहरी सतह पर लगाएं और फैलाएं। इसके बाद फिटिंग को कॉलर के ऊपर पुश करें और आखिर में कॉम्पेंसेटर कॉलर की स्थिति चेक कीजिए। ध्यान दें कि पाइप का छोर गैस्केट टिप से फ्लश है। एस्ट्रल साइलेंसियो लंबे समय तक चले, इसके लिए आपको कुछ मुख्य बातों का ध्यान देना होता है। पाइप जोड़ते वक्त हमेशा एस्ट्रल के ही रबर ल्यूब्रिकेंट की मांग करें। पाइप को हमेशा सीधे काटें, ऐसा ना करने से लीकेज हो सकता है। लाइन की जांच करते वक्त केवल टेस्ट प्लग या सॉकेट का इस्तेमाल करें। धुएं से पाइप की जांच बिल्कुल ना करें। डोर कैप्स को जरूरत से ज्यादा टाइट ना करें। पहले इस बात की भी पुष्टि कर लें कि डोर कैप्स सही स्थिति में रखे गए हैं। चैम्फरिंग के बिना पाइप को फिटिंग के सॉकेट में ना डालें। रबर रिंग्स को पाइप में से ना निकालें, इससे लीकेज हो सकता है। ड्रेन और वेस्ट लाइन का मिश्रण वाटर सील ट्रैप बीच में डाले बिना ना करें। पाइप क्लैंप्स के बिना पाइप लाइन को इंस्टॉल ना करें। तो ये थी एस्ट्रल साइलेंसियो के बारे में कुछ जरूरी बातें। एस्ट्रल साइलेंसियो एक लो नॉइज ड्रेनेज सिस्टम है और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।